मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली में आज तीसरे दिन भी हिंसा जारी है और हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस अगले 24 घंटों तक हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में सड़क से लेकर मोहल्लों तक हिंसा जारी है। दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, गोकुलपुरी, चांदबाग, भजनपुरा, करदमपुर, बाबरपुर, करावल नगर, ब्रह्मपुरी, कबीर नगर में हिंसा जारी है और धारा 144 भी लागू है। रविवार से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक हेड कांस्टेबल समेत अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एहतियात के तौर पर 5 मेट्रो स्टेशन जाफराबाद, बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी, एक्वेल और शिव विहार बंद कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली के हालात तनावपूर्ण हैं। तस्वीरें देखें किस तरह से आग के हवाले दिल्ली को कर दिया गया है। CAA के समर्थन और विरोधियों के बीच भिड़ंत हुई और पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई है और 105 लोग घायल भी हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह हिंसा दिल्ली पुलिस के सामने ही हो रही है और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है इस हिंसा को रोकने में। दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, मगर अचानक रविवार को हिंसा भड़की और दिल्ली को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें देखें कि किस तरह के दिल्ली के हालात हैं। दिल्ली में CAA के खिलाफ जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था और अब समर्थक भी सामने आए हैं और विरोधियों के बीच जिस तरह से भिड़ंत हुई है, देखें तस्वीरें कि किस तरह से दिल्ली के हालात हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।